संजय सिंह हमारे साथ हैं, वो उम्मीदवार जो आज जा रहे हैं नामांकन भरने, आपको तो बधाई हो। दूसरे उम्मीदवार आशुतोष इनका टिकट कट चुका है, ठीक है। तो संजय जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। पहली बात तो आपकी इस बात पे मुझे आपत्ति है, टिकट कट गया है और मिल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं ना आपके नेताओं की और कार्यकर्ताओं की, वो कह रहे हैं कि इनका टिकट तो कट गया, इनको मिलना चाहिए था। बात सुनिए, पहली बात यह है कि 13 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, 15 का चुनाव हुआ, 17 का पंजाब का चुनाव हुआ, हम लोगों ने पार्टी के लिए काम किया। 15 के चुनाव में आशुतोष जी चाहते तो बहुत आराम से यहां चुनाव लड़ सकते थे, मैं लड़ सकता था, नहीं लड़े, पार्टी के लिए काम किया। 17 में जब पंजाब गया तो लोगों ने कहा कि ये चुनाव लड़ने आए हैं, मैंने कहा मैं सरपंची का चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पार्टी के अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको बखूबी हमने निभाया है। जब जब पार्टी ने तो तारीफ करें, आप तो इनकी तारीफ करते रहे भाई, ये तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं इन्होंने मेहनत की, इनको टिकट मिला, आपने नहीं। देखिए एक बात बता दो, आज खुशी का मौका है और मुझे नहीं लगता इस पार्टी के अंदर संजय जी से ज्यादा मेहनत किसी आदमी ने की है। खुशी है सर, पिछले 7 सालों से खुशी है, सुन लीजिए, पिछले 7 सालों से अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, न दिन को दिन देखा न रात को रात देखा। और जब पार्टी का आदेश हुआ तो कभी अमृतसर, पार्टी में ये चुटकुला हो गया कि गूगल भी संजय भाई को नहीं खोज पाता ये कहाँ रहते हैं। अच्छा, तो ये पार्टी ने, मुझे लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं को इतनी इज्जत बख्शी है, ये बहुत खुशी की का वक्त है और हम सबको इसको सेलिब्रेट करना है। ये संजय सिंह के नाम पे तो कहीं बवाल ही नहीं है, बवाल तो वो जो दो गुप्ता पैराशूट वाले जो कैंडिडेट है ना, उनके नाम पर ना तो आपका कोई विधायक उसको जस्टिफाई कर रहा है, ना किसी के चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ना कोई इसको डिफेंड कर पा रहा है। नहीं नहीं, देखो पहली बात तो दो गुप्ताओं वाली जो बात है इसको मैं क्लियर कर दूं, कल से ये चर्चा चल रही है, मैं कहता हूं इस बात को, अखिलेश बैठे हुए हैं, मॉडल टाउन के टिकट की चर्चा हो रही थी, अरविंद जी थे, हम सारे लोग बैठे हुए थे, सबने कहा जी ये परंपरागत रूप से बनिया सीट है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं, हमारे साथी अखिलेश पति त्रिपाठी जिनका सर फोड़ा गया है, जो लाठी खाते हैं, जो जेल जाते हैं, उनको टिकट देंगे। किसी ने नहीं कहा कि बनिया का हक मार के ब्राह्मण को क्यों दे दिया गया। इसी प्रकार से पवन शर्मा जी को टिकट दिया गया, जगदीप राणा को आदर्श नगर से टिकट दिया गया, कहा गया ये बिल्कुल बनिया सीट है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूं, शालीमार बाग, सुन तो लीजिए, अरे पार्टी ये बैठे हैं, जब इनका कागज पत्र आया तो बता दिया कि एक्टिविस्ट वहां काम करते हैं, ये सुशील गुप्ता की काबिलियत क्या है मुझे बता दीजिए। बात तो पूरी होने दीजिए, शालीमार बाग के टिकट की बात आई, वो भी कहा गया बनिया सीट है, उसको बन्ना कुमारी को दिया पार्टी, ऐसे तो सड़सड़ गिना देंगे ना। मुझे बताइए सुशील गुप्ता की काबिलियत क्या है कि सीधा राज्यसभा भेजा जाए। मेरी बात सुनिए, काबिलियत है रघुराम राजन से लेके 18 उन लोगों की जिनको हमने सर्च किया, और रघुराम राजन से सीधा सुशील गुप्ता पे पहुंच गए। पहले पूरी बात सुनो, बीच में अगर टोकोगे तो पूरी बात नहीं हो पाएगी। जब हमने रघुराम राजन जी से लेके 18 देश के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क किया, जिनकी समाज में अलग अलग कामों से, अलग अलग कारणों से ख्याति है, इसका मतलब कि हम कोई अंदर के लोगों को भेजने के प्रति आमादा नहीं थे, किसी विशेष व्यक्ति को भेजने के प्रति आमादा नहीं थे, हमारी मंशा बहुत साफ थी।